जब ऊपर से आए उन्होंने देखा कि ये घर में एक औरत और एक बच्चा भाग भाग के बंदूक चला रहे हैं और पूरी बटालियन का सरेंडर करा दिया है। सुबह का वक्त था, नाश्ते का टाइम था। एंड दिस इज 71। सारे नाश्ते की मेज पे बैठे, घंटी बजी, ताई जी को बाहर बुलाया गया। उन्हें कहा बाहर आए, आपसे कुछ बात करनी है। ताई जी कहा बाहर क्यों आए, आओ तुम अंदर नाश्ता करो, सारे मेज पे बैठे, तुम भी बैठ जाओ। उसने कहा नहीं 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 ये खास बात करनी है, आप बाहर आए, भाभी बच्चों के आगे नहीं करना चाहते। ताई जी कहा ठीक है, बाहर चले गए। बाकी फैमिली हम नाश्ते कर रहे थे, अचानक शूटिंग की आवाज आई। ताई जी ने कहा लगता है कोई टाइगर आया है, लेकिन फिर एकदम सकूत, विच वॉज वेरी अननेचुरल, बिकॉज इफ इट वर अ टाइगर तो फिर वो शोर ढोल जो होता है प्रोसीजर, वो शोर आपको सुनाई देता है, लेकिन यहां पे कुछ नहीं था। सो ताई जी बिकेम सस्पिशियस कि क्या बात है। वो गई, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, और हसन तुम बिलीव नहीं कर सकते उन्होंने की आंखों ने क्या मंजर देखा, कि उनका शोहर ताई जी को दरख्त के साथ बांधा हुआ था, और वो जो दोस्त था मुक्ति बहिनी कोई ऐसी फोर्स नहीं थी, कहां से उनके पास असलाह आना था। इट वाज अ रैगर टैग ऑफ जस्ट अ फ्यू पीपल, यू नो, उनके पीछे तो सारी इंडियन आर्मी थी, असलाह भी इंडियन आर्मी दे रही थी, और वहां पे पूरी इंडियन आर्मी की बटालियन थी जिन्होंने एक आपके फौजी को घेरा हुआ था। एक फौजी के लिए उन्हें एक बटालियन चाहिए थी। ये भी बात सोचने वाली है। जब ताई जी ने देखा, तुम्हें पता है फौजी की बीवी फौजी से ज्यादा होती, वो भागी और घर में जितना असलहा पड़ा था, गन्स वगैरह जो कि वो रखते थे बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट वाज देयर, उन्होंने अपने बेटे को राइफल फेंकी, दोनों छत पे गए ऊपर, बेटे को कहा तुम इधर से शूट करते हुए इधर जाओगे, और वो खुद शूट करती हुई इधर। तो इतनी सारी शूटिंग की आवाज़ से घबरा गए, उन्होंने सोचा पाकिस्तान आर्मी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से बड़ी हैबत रही है दुश्मन के ऊपर। उन्होंने एकदम हथियार डाल दिए, जो ही उन्होंने हथियार डाले, पीछे से एक और उनकी बटालियन, क्योंकि वो ऊपर पहाड़ी थी, क्योंकि बॉर्डर जो था वो उस साइड पे पहाड़ी ज्यादा है, और जब ऊपर से आए उन्होंने देखा कि ये घर में एक औरत और एक बच्चा भाग भाग के बंदूक चला रहे हैं और पूरी बटालियन का सरेंडर करा दिया। तो उन्होंने पीछे से चढ़ा, उनका ये तो एक औरत और बच्चा है भाई, पिकअप योर गन्स। तो अब ये बेचारे एक औरत और एक बच्चा किस तरह से, इधर से एक बटालियन है उधर से वो है, फंस गए। वो आए, उन्होंने इनको बांधा और घसीटा, घसीट के बाहर लेके आए। जो उनके सबसे छोटे बच्चा था वो 6 महीने की थी, 6 बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, बिलबलातों को घसीट के बाहर लाए, और उनको ताई जी को कहते हैं तुम इसको बचाओगी, हम इसको तुम्हारे सामने छलनी करेंगे। और उन्होंने ताई जी के सामने उनका जिस्म छलनी कर दिया, वो खून में लथपथ, उनका जिस्म तड़प रहा था, और वो उनको घसीट के ताई जी को, बच्चों को, बिलबिलाते बच्चों को अपने डॉजेस में डाल के ले गए शिलोंग, विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। ताई जी सब में से बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठी, उनको बात करना भूल गई, उनका दिमाग बिल्कुल जैसे कितना बिल्कुल खला आ गई।
बस ऐसे आसमान की तरफ देखती रहती थी, घूरती रहती थी। उसके बाद जो मेरे बड़े ताया, ही वॉज चोजन टू बी द फर्स्ट पाकिस्तान एम्बेसडर टू बांग्लादेश, बिकॉज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थॉट के दिस इज़ वन फैमिली दैट इंजॉयज रिस्पेक्ट देयर एज मच एज हेयर, क्योंकि हम वाइल वी वर फ्रॉम हेयर हमें बंगाली उसी तरह सिखाई गई थी, क्योंकि वो हमारा मुल्क था कि ये तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है, बंगाली शुड बी लर्न्ड बाय यू एज वेल, सो वी आई स्पोक बंगाली। हमें कभी ये तफरका नहीं था, लेकिन उधर वो जो जिस तरह आप बाग में कहते हैं ना कि वीडिंग करते हैं, तो जब वीड उठाते हैं ना तो उसकी जड़ें जैसे कितना फैलती हैं, दैट वॉज द इंडियन रोल, दे वर लाइक वीड इन दैट एरिया, वो ऐसे फैले हुए थे आप सोच नहीं सकते। और जब वो उनको लेके गए, ताई जी का जो हाल हुआ शिलोंग में, वो जेल में कितना अरसा रहे, फिर ताई जी वॉज द एम्बेसडर, द एल्डर ताई खुर्शीद साहब, उन्होंने निगोशिएट करके इनको वहाँ से रिहाई दिलवाई, वापस पाकिस्तान आई। वो सदमा, वो इंडियन ब्रुटैलिटी, इंडियन आर्मी ब्रुटैलिटी, क्या गए उधर तो दम नहीं तोड़ा क्योंकि उनका वकार था, लेकिन इधर आके विद इन वन ईयर शी डाइड, एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ सोल्जर एंड अ सोल्जर्स वाइफ।